तो फाइनली आ चुके हैं सिंघम 3 एंड भूल भुलैया 3 के एक और नए एपिसोड में वापस। तो भाई क्या कुछ नए अपडेट्स हैं, क्या कुछ भाई नई न्यूज़ है वो चल रही है इन दोनों के रिलेटेड, एंड साथ में टीजर एंड ट्रेलर की बात है वो करने वाले, हमें कब तक देखने को मिल सकता है एंड मेकर्स कब भाई प्रमोशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, बोथ की बात है वो करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने अब भी देखा भाई इंस्टा पे स्टोरी लगाई है अनिस बाजमी जी ने, ये आप सभी के सामने ही है भाई, ये थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन में लग रहे हैं भाई। इन्होंने कहा है कि जो मैंने कहा अभी पीछे कि मैं अजय को क्यों कॉल करूं वगैरह, इसको ज़्यादा ही हाईलाइट्स किया गया है एंड मुझे जो मैंने कहा उसको गलत लिया जा रहा है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो या देखा जाए तो भाई उन्होंने सही ही कहा, मैंने देखा ज़्यादा भाई सोशल मीडिया में तो यही चल रहा है कि अनिश जी ने कहा कि मैं क्यों अजय को कॉल करूँ कि अपने पिक्चर को प्रीपोन पोस्टपोन कर दो। भाई पूरा देख लो एक बार कि एक्चुअल में भाई उन्होंने क्या कहा है और क्या कहना चाहते हैं वो। उनका कहना है कि भाई देखो मैं तो एक डायरेक्टर हूँ, मुझे नहीं पता बाकी क्या लेना देना है, वो तो भाई प्रोड्यूसर कर देंगे आपस के बीच में। तो एक देखा जाए तो भाई उन्होंने सही कहा है, बाकी मीडिया वाले यार कुछ भी छापते हैं। अब बात करते हैं दोनों की भाई प्रमोशन की। सबसे पहले बात करते हैं भूल भुलैया 3 की एंड भूल भुलैया 3 टीजर की बात करें भाई, ऑलमोस्ट 1.5-2 मिनट के आसपास भाई इसकी ड्यूरेशन है वो रहने वाली है, और ये वाला टीजर है वो नेक्स्ट वीक को आएगा, ये ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है। बट हाँ आपको भाई ये भी याद रखना होगा, भूल भुलैया 3 के मेकर्स हैं वो कई बार ऐसी चीज़ें वो कन्फर्म कर चुके हैं खुद से, बट उन्होंने वो मटेरियल है वो नहीं दिए। अब ये कन्फर्म हो समझना कि अब उन्होंने कन्फर्म कर दिया, शायद हमें नहीं भी देखने को मिल सकता है भाई, वो डबल माइंडेड है शुरू से ही, तो क्या पता हमें अगेन भाई बड़ा सरप्राइज है वो देखने को मिल सकता है। बात करें यहाँ पे सिंघम 3 की भाई क्या चल रहा है, देखो अभी एज ऑफ नाउ जो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि भाई सलमान खान का कैमियो होगा सिंघम 3 में, मेरे भाई ये ऑलमोस्ट अभी कन्फर्म ही हो चुका है, तो सलमान खान होंगे वहाँ पे भाई सिंघम 3 में। यहाँ पे रोहित शेट्टी जी ने लास्ट में जाकर भाई उनसे कॉन्टैक्ट किया कि भाई आप कैमियो कर लो इसमें, मैं दबंग से शायद ये कॉन्टैक्ट हो सकती है, लास्ट में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। चलो वेट करते हैं, काफ़ी बड़ी पिक्चर है नो डाउट अबाउट, और इसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट है अर्जुन कपूर भाई, ये सब माने जाएंगे किसको, अर्जुन कपूर को भाई, उनको किस तरह यहाँ पे प्रेजेंट किया है अब ये देखना भाई दिलचस्प होगा, क्या अर्जुन से भी कोई बड़ा विलन होगा जो गाइस वो जैकी श्रॉफ हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी था इससे पहले, क्या और भी कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और स्पेशली फॉर ट्रेलर देखना पड़ेगा तब भी थोड़ा भाई ज़्यादा समझ में आएगा। देखो इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम है, रोहित शेट्टी जी ने ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम लिया है इस पिक्चर को शूटिंग करने में, सितंबर में पिछले ईयर इसकी शूटिंग स्टार्ट की गई थी और अभी सितंबर में जाके भाई इसकी शूटिंग है वो रैपअप हुई है, ऑलमोस्ट 160 डेज प्लस भाई इन्होंने टाइम लिया है, तो ये आप बंदे ने भाई कुछ नया तो बनाया है, लेट्स सी अभी वेट करते हैं। बात करते हैं भाई अब ट्रेलर की, देखो ट्रेलर मैंने शायद आपको 10-12 दिन पहले बताया था, अभी वही बोल रहे हैं कि मेकर्स भाई सितंबर के लास्ट वीक में मैदान पे उतर जाएंगे प्रमोशन करने में, और सितंबर के लास्ट वीक में हमें शायद पोस्टर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, साथ में ये डेट मेंशन भी कर देंगे, ऑफिशियली कंफर्म भी कर देंगे, और थिएटर के बाहर हमें ये पोस्टर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं सिंघम गेन एंड सिंघम 3 के। ट्रेलर की बात करें, देखो रोहित की फिल्मों का भाई टीज़र नहीं आता, मैंने आप सभी को कई सारे एपिसोड्स में बताया है, या सरप्राइज देखने को मिल सकता है, बट मुझे काफ़ी कम ही चांसेस लग रहे हैं कि टीज़र आएगा, तो भाई ये सीधा डायरेक्टली भाई ट्रेलर है वो देने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका ट्रेलर है वो आएगा, मैंने 10-12 दिन पहले बताया था और अभी भी बोल रहे हैं, एंड काफी हैवी चांसेस है कि अक्टूबर के फर्स्ट या फिर सेकंड को हमें ये ट्रेलर है वो देखने को मिल सकता है, बाकी ऑफिशियली डेट का भाई इंतजार है वो करते हैं। तो एक मंथ के अंदर अंदर भाई सिंघम के मेकर्स हैं गाइस वो प्रमोशन करने वाले हैं, एक मंथ के अंदर हमें ट्रेलर भी देखने को मिलेगा, पोस्टर्स है वो देखने को मिलेंगे, एंड साथ में जो भी गाने आएंगे रिलीज से पहले वो भी देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं गाइस अजय भाई किस तरह यहाँ पे प्रमोशन करते हैं एक मंथ के अंदर अंदर, और हाँ ऐसा नहीं कि भाई ट्रेलर सीधा डायरेक्टली हमें देखने को मिल जाएगा, नहीं मेरा भाई बड़ा सा इवेंट होगा एंड मेकर्स भाई ये ट्रेलर है वो लॉन्च करने वाले हैं। चलो भाई मैं तो काफ़ी इंतज़ार कर रहा हूँ भाई इस पिक्चर का, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे ये पिक्चर गाइज सब कुछ अच्छा रहा ना तो अजय की करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म जाने वाली है, ओपनिंग डे हाईएस्ट जाने वाला ही है, क्लैश हो तो थोड़ा नंबर्स तो गिरेगा बट फिर भी मुझे लग रहा है कि यार ये फाड़ देगी, ओक्वेंसी ओपनिंग वीकेंड में भाई ऑल ऑफ शोज है वो हाउसफुल है वो जाने वाले हैं, मैं इन दोनों को भाई किसी को भी लाइटली नहीं ले रहा हूँ, एक तरफा गाइस बाजीराव सिंघम एंड दूसरी तरफ यहाँ पे होने वाले हैं भाई बाबा साहब,
देखते हैं गाइस क्या यहाँ पे रिजल्ट है वो निकल के सामने आता है। बाकी भाई कर लो चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।